से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं मन्ना लाल जी, और चुनाव में अभियान जो है बहुत जल्दी शुरू होता है क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, और जो लोकसभा क्षेत्र है काफी फैला हुआ है और दूर दराज भी है। आज है हम मन्ना लाल जी के घर से आपको ला रहे हैं ये सीधा रिपोर्ट। आइए देखते हैं कि मन्ना लाल जी क्या कर रहे हैं। मन्ना लाल जी, राम राम। राम 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 राम। स्वागत है आपका। आप सुबह पहले पेपर पढ़ रहे हैं, क्या क्या रहती है आपकी दिनचर्या? हाँ, पहला काम तो यही रहता है कि एक बार क्या हुआ, वैसे तो उठ के तैयार होके एक बार देव दर्शन करते हैं और उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने क्या, राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहा। विशेष तौर पर उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है, कुछ मुद्दे हैं, कुछ बात को कैसे रखना ये भी नजर आता है, तो ये सीखने का प्रयास रहता है। क्या टाइम, कितनी जल्दी उठते हैं आप चुनाव के दौरान? करीब 5:30 तो उठना ही होता है, तब जाके एक शेड्यूल पूरा बन जाता है। कई बार 6 बजे से फोन भी अटेंड करना शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ कार्यकर्ता जो दूर दराज के हैं। आगे का शेड्यूल पूरा देखना, आगे इन्फॉर्म करना और वो सारा समन्वय बिठाना, एक छोटी टोली है उसके साथ समन्वय बिठाना, वो लगता है आधा घंटा उसमें लग जाता है। तो 5:30 बजे से कार्यक्रम अपने तरह से दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो कौन है घर परिवार में मन्ना लाल जी, जरा भाभी जी से भी हमें मिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए पधारिए। अच्छा, भाभी जी किचन में है। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तो सुबह सुबह इतना लंबा दौरा रहता है इनका, आप कैसे तैयारी करते हैं इनके लिए? बस हम 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद किचन में सीधे ही नहा धो के और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट का तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो सीधे ही पराठे बनाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो दिखाइए क्या बनाया है अनुकुल जी। अच्छा, उन्होंने आपके थाली पर, बच्चों के टिफिन तो हो चुके हैं हमारे। अच्छा, बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे कहाँ, स्कूल गए? हाँ, एक स्कूल गए, एक तैयार हो रहा, तो 2 टिफिन हो चुके हैं। हाँ। अभी ये बस इनका बस तैयार कर रहे हैं। हाँ। ये भी नाश्ता मैंने तैयार कर ही दिया है। हाँ। इसमें चपाती बनाई दी है। आप अपने हाथों से बनाते क्या खाना? हाँ, अपने हाथों से ही बनाते हैं। अच्छा, आप इनके लिए, आप मतलब किसी को रखते नहीं? नहीं, किसी को नहीं रखते, हमने अभी तक किसी को हाथ से बनाते खाना। अच्छा, बढ़िया है। चलिए, तो आप दीजिए उनको, हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नाम भाभी? डॉक्टर रजनी पीरावत। अच्छा अच्छा, तो आप भी, आपने भी डॉक्टरेट किया है? जी, मैंने भी डॉक्टरेट किया। आप भी जॉब करते हैं क्या? नहीं, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। किसी को तो सही चाहिए पीछे घर संभालने के लिए। जी जी जी, मन्ना लाल जी आप बहुत खुश नसीब है, भाभी आपके लिए खुद अपना हाथ का खाना बनाती है। हाँ, किसी को नहीं बनाने देती है। ऐसा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम खुद ही करते हैं, और सीखा भी यही जब हम लोग स्कूलिंग करते थे, तो मैंने भी इस बात को सीखा कि जब 6th में थे तब से रूम लेके रहना और बाहर रहना तो सीखा। और गांव में वैसे भी पद्धति ये रहती है कि बच्चों को सिखाते हैं पेरेंट्स, सारे काम सिखाते हैं, ये बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन आता सबको है। कुछ स्पेशल चीज़ें भी आती हैं लेकिन पद्धति ये रहती है कि कोई किसी काम से बिल्कुल अनजान नहीं रहता। और रजनी तो निश्चित रूप से सारा काम बड़ा अच्छे से करती हैं और कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी चलती हैं, और यहाँ तक कि जब घर में चीजें बनाते हैं तो उदयपुर रसोई नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी बहुत सारी चीजें रेसिपी में मोर देन 250, वो भी थोड़ा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक, गांव में भूल गए, विस्मृत हो गए, उसको भी लाते हैं। कभी कभी मैं भी चाय बनाने में इसमें छोटा सहयोग करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो चाय बनाने में सहयोग करते हैं। रजनी जी, ये बताइए कि जैसे इनका दिनचर्या काफी हेक्टिक रहता है, तो आप किस तरह से कोशिश करते हैं कि पोषक खाना मिले, क्योंकि जैसे बहुत लंबा सफर होता है, क्या टाइम निकलते हैं, क्या टाइम आते हैं? सुबह करीबन 6 बजे तो निकल ही जाते हैं, 6-6:30 बजे के बीच। मैं टिफिन बना देती हूँ, पराठे कम बनाती हूँ, रोटी बना देती हूँ, उसके बाद सैलेड रख देती हूँ, फ्रूट्स रख देती हूँ। फ्रूट्स जो भी साथ में टीम जा रही है उनके लिए भी फ्रूट्स और सैलेड सब साथ ही जाता है, और उन 20 जनों का टिफिन भी साथ में ही जाता है। अच्छा, 20 जनों का टिफिन? हाँ। तो आपने उसके लिए कोई रसोई? हाँ, उसको रख रखा, हमने रसोई रख रखा है, तो उनका भी साथ में, ताकि उनका भी न्यूट्रिशन सभी सही रहेंगे तभी इनका साथ दे पाएंगे सभी। और चाय पानी, चाय का तो सिलसिला चलता रहता है, तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता सिलसिला। जी। और आप भी कैंपेन करेंगे या अभी फिलहाल यहाँ घर का ही मैनेजमेंट करेंगे? नहीं, कर रही हूँ ना मैं अभी, तितड़ी वगैरह और बलीचा वगैरह और खेरवाड़ा वगैरह जा चुकी हूँ मैं। अच्छा। तो मन्ना लाल जी पहले RTO में थे, फिर उन्होंने VRS लेके चुनाव लड़ा, तो आपने कैसे एडजस्ट किया, क्योंकि एक अफसर की वाइफ और अब हो सकता है लोकसभा प्रत्याशी या MP की वाइफ बनना, मतलब क्या अलग हुआ है, क्या चेंज हुआ है? चेंज तो काफी हुआ है, लेकिन मैं भी एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा सा पहले ही जान चुके थे कि मेरे दादाजी MLA थे, तो हमें थोड़ा सा अभ्यास जरूर था इस बात का कि कैसे दोनों तरह से मेंटेन करना है। लाल जी, आजकल जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है एंड ट्राइबल वे ऑफ ईटिंग है, उस पर लोग वापस जा रहे हैं ना, कि मान रहे हैं कि बहुत पौष्टिक है, जैसे सत्तू है या जो गाँव में जो भोजन बनता था उससे लोगों की कितनी एनर्जी होती थी पहले।
ये लोग मानने लगे आज, जैसे अभी पीएम ने भी मिलेट्स को वापस बढ़ावा दिया है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो श्री अन्न कहा है, और एक लहरी बाई जो ट्रैवल से आती हैं उन्होंने 150 से अधिक बीज जो है वो इकट्ठे किए हैं, उनको पद्मश्री मिला है। तो ये दोनों घटनाओं को यदि जोड़ के देखते हैं मुझे लगता है काफ़ी बड़ी घटना है। प्रचलन में था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं से जो गेहूं की सप्लाई हुई, मुझे लगता है उससे रिप्लेस हो गया था सारा ये। और अब कहीं ना कहीं यहाँ तो देखेंगे आप, उदयपुर क्षेत्र में तो कोटड़ा में काफ़ी अच्छा चलता है, बाकी भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक तरीके से जो एग्रीकल्चर करते हैं, एक से ज़्यादा अन्न जो है उसमें उगाते हैं, दाने उगाते हैं, तो वो पद्धति थी, थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन अब वापस उसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है और ताकत भी है। और आप तो देखिए कि महाराणा प्रताप के जो एक गीत है कि घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो मरियो चिक फड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागियो। मूलतः वो घास उसमें कवि लिखता है, लेकिन वो श्री अन्न था, कोदरा बट्टी कांगणी राजगिरा ये सारे अन्न थे, वो कमजोर हुए, अब वापस आ रहा है, अच्छी खबर है। आप थोड़ा सा वो एक लाइन गा के सुनाइए ना, आई नो आप बहुत बढ़िया गाते हैं, सॉरी आपके बीच में मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो जो कविता है वो कन्यालाल सेठिया जी के महाराणा प्रताप को समर्पित है। वो इस तरह से है कि, अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चिख पड़ियो, राणा रो सो ये दुख जाग्यो। कि घास की रोटी बनी हुई है, मतलब श्री अन्न की रोटी उस काल में बनी हुई होगी, लेकिन क्योंकि वन में रह रहे थे महाराणा प्रताप, तो उसको भी जो वन में रहने वाला एक बिलाव है, बिल्ली है, वो उस रोटी को लेके चली गई। तो अमर सिंह जो बालक है महाराणा प्रताप के, राजकुमार है, वो चीख पड़ता है कि रोटी एक ही तो थी, उसको भी बिल्ली लेके चली गई, अब मैं क्या खाऊं। तो उसके बाद फिर महाराणा प्रताप का दुख जो है वो प्रकट होता है, फिर ध्यान आता है कि आन बान शान के लिए आक्रांताओं से एक बार फिर जुड़ना है, ऐसा एक कवि उसमें कहते हैं। तो ये सारा श्री अन्न का ही असर रहा है। और पहाड़ी क्षेत्र आप देखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक खेती होने की जगह छोटा छोटा अन्न, और ऐसा अन्न जो आप देखिए कोदरा जैसा अन्न है, हमने देखा है उसको 12-12 साल तक उसको कोठी में रखते थे, और ये कहते थे कभी अकाल पड़ जाएगा तो खाएंगे, 12 साल तक उसको कीड़े भी नहीं खाते थे, वो आज भी है। लेकिन जो भी पद्धति रही सरकारों की अपनी, और हो सकता है कि ये बीच में हरित क्रांति जैसा एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, तो वो गेहूं और चावल के आसपास ही केंद्रित रह गया, तो वो रिप्लेस हुआ। अब वापस माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का एक अभियान चलाया है, तो मुझे लगता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस बात की चर्चा हुई है, इसको सुपर फूड नाम से भी कहा जा रहा है, मुझे लगता है एक पद्धति वापस आ रही है। बहुत प्यारा लगता है, आप आपस में अभी अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, वागड़ी वागड़ी बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं ना, सही बच्चों के साथ भी बात, हाँ, ताकि उनको याद रहे उनकी याद है। हाँ। थोड़ा कुछ गांव के एकदम डायलॉग है जिसको छेड़ते हैं, जैसे दौड़ना भागना होता है, हेड 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 मींस दौड़ना, तो जस्ट वो एक मजा भी आता है उसमें, और कई बार थोड़ा मजाक की रियाजी से भी उसमें बड़ा अच्छा रहता है, उसको छेड़ खानी करते हैं, तो बच्चों को भी, बच्चे भी जड़ से जुड़े रहते हैं। फिर एकाएक गाँव से कोई आता है तो वो अगर ठेठ देहात में बात कर रहा है, देहाती में कर रहा है, तो उनको कहीं अटपटा नहीं लगता, ये अभ्यास एकदम जुड़े रहने के लिए अच्छा रहता है। और हम लोग जहाँ पे है गांव है दरिया के पास में, तो जंक्शन पे हैं, थोड़ा ईस्ट की तरफ जाते हैं तो मालवी आती है, तो हूँ थैरी जी किम थैरी जी फला ऐसा करके बात करते हैं, बच्चों को नानियों बोलते हैं, और थोड़ा वागड़ की तरफ जाते हैं कि बच्चे को कौड़ा बोलते हैं, और जब मेवाड़ की तरफ आते हैं तो नानो कहीं कर रहे हो, और ये कहीं चाल रहे हो, और ये कहीं चाल, एक पूरा एक जंक्शन पे है, तो जो सामने वाला होता है वैसा बोलना पड़ता है, मुझे लगता है काफी अच्छी आत्मीयता होती है, वो स्वाभाविक रूप से निकलता है, ऐसा नहीं है कोई बनावटी नहीं होता है। हाँ। ये है, मनाला जी इतना बढ़िया गाते हैं, आप लोग के क्या फेवरेट गाने हैं कुछ? हम तो ये हम अक्सर सुना करते थे, वैसे रामजी वाला तो अभी गाई नहीं, हम इससे पहले धरती दोहरारी इनसे सुना करते थे। वो प्लीज वो सुनाइए, बहुत बढ़िया, मेवाड़ के बारे में है ना, वो कन्हैयालाल सेठिया जी का गीत है, और विशेष तौर पर राजस्थान पर केंद्रित है, धरती दोहरारी उसका टाइटल है। धरती धोरारी धरती धोरारी हो धरती धोरारी, या तो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमणनी आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी, लुण लुण बाजरियो लहरावे, मक्की जालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे, धरती धोरारी
मिश्री मीठे मीठे, इस तरह से पद है और क्रम चलता है। जब हम लोग टोली के साथ बैठते हैं, बेटी भी अच्छा प्रयास करती है सिखाने की, वो भी गाती है। हाँ। गाती है, चार भी बजाते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी आप भी करते हैं, कोशिश चलती है, एक तरह से वो लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा केशे वगैरह लेके बैठते हैं शाम के टाइम में, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा एक लाइट मूड में, बड़ा अच्छा रहता है, कभी कबीर जी के दोहे, कभी कुछ ऐसा, बहुत सुंदर। एक्चुअली उधर इस ये एरिया है बहुत सुंदर, जो आपने कहा है ना मक्की और झरना और वो झाड़ोल साइड जाते हैं, इसमें टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है आप देखिए कि कितना इसको हम एक्चुअली बढ़ावा दे सकते हैं इस एरिया को, उदयपुर के अलावा। जी जी नहीं, उदयपुर पूरा जो क्षेत्र आप देखेंगे तो अरावली से घिरा हुआ क्षेत्र है, और कुदरत का दिया हुआ, प्रकृति माँ प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, झीले हैं, पहाड़ियाँ हैं, वेजिटेशन है, और बाकी अलग अलग तरह की हर्बल प्लांट्स भी हैं, उतार चढ़ाव है, जो टोपोग्राफी अपील करती है कि मतलब बुलाती है। आपने देखा होगा अलसीगढ़ वाला जो एरिया है, वहाँ जाते हैं एकदम पहाड़ियों से रास्ते गुजरते हैं, सर्पिलाकार रास्ते जिनको बोलते हैं, तो लगता है कि लगातार आगे बढ़ते चले जाएँ। इन दिनों में थोड़ा सा गर्मी की वजह से एक अलग टाइप का सीन रहता है, लेकिन जो बारिश के दिन है उसमें देखिए पूरा हरियाली पूरी तरह से छा गई होती है, तो एकदम लगातार आगे बढ़ते जाएं, घूमते जाएं, थोड़ा फील होता है। यदि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में गए हैं, लेह लद्दाख गए हैं, सिक्किम गए हैं, तो कंपैरिजन निकल के आता है कि यहाँ पर बीच का जो एरिया है एकदम खुले मैदान आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे, अलग अलग तरह के खजूर के पेड़ एकदम आ जाएंगे, फिर सागवान आएंगे, फिर सालर आएगा, फिर एकदम डेंस फॉरेस्ट आएगा, ये सब कुछ है यहाँ पे। और झीले हैं, झीले ना केवल उदयपुर के आसपास बल्कि जैसमंद जैसी झीले, जिसमें 3.5 किलोमीटर आप बोटिंग करने के बाद किसी रिजॉर्ट पर पहुँचते हैं, किसी गाँव में पहुँचते हैं, भटवाड़ा पहुँचते हैं, पायरी पहुँचते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ मिलना अपने आप में अद्भुत है। आपने सबका टिफिन तैयार, सबका टिफिन तैयार कर दिया, इसमें फूड्स हैं सभी लोगों के लिए, 20 करीबन साथ जाते हैं, टिफिन 20 अलग हैं, और ये इसमें फूड्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और वेफर्स वगैरह सभी सभी। क्या टाइम तक आते हैं वापस? करीबन 11:30 बज जाती है जी, बहुत मतलब टैक्सी हो जाती है। हाँ, तो मेरा साथ वालों को खाना, उनको भी बिल्कुल न्यूट्रिशन चाहिए, तो गाँव जाएंगे तो वहाँ खाना मिलेगा नहीं, तो यहीं से हम तैयार करके सबका साथ ही देते हैं, सबका टिफिन।